हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवेज क्रैकर्स में। भाई लोग, आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार, आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सभी बच्चों के लिए। देखिए, आपको बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। आपने YouTube में बहुत हवा बना हुआ देख रहे हो, ये बंदा ये बोल रहा है, ये कुछ बंदे ये बोल रहे हैं, कुछ बंदे बोल रहे हैं कि कल ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। मैं बहुत मतलब खुद मैं फ्रस्ट्रेट होके यहाँ पर मैं पूरी जांच पड़ताल के बाद मैं इस स्टेज पे आके आपको ये बात कहने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, अगले साल होंगे। तो अभी आपको कैसा, मुझे मारने का गुस्सा आ रहा है क्या? जी हाँ, क्योंकि ऐसा सभी बच्चों के साथ हो रहा है, सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम लोग 3 साल से बैठे हैं, मैं खुद एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, और मैं खुद आगे आने वाले CGL के एग्ज़ाम जो भी है, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी तैयारी करता हूँ। लेकिन हाँ, पहले एक छोटा एग्ज़ाम भी, मतलब एग्ज़ाम आ जाए जो मैं एग्ज़ाम दे दूँ तो निकाल लूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं। लेकिन अभी सभी बच्चों के मन में ये डाउट बना हुआ है कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो बहुत दिनों के बाद, इतने बात करने के बाद, मैं खुद एक भाई से मैं अच्छे से डिटेल में मैंने बात किया है, और उस डिटेल को आपको मैं पब्लिश करूंगा। ये सभी ऑल ओवर इंडिया में पब्लिश होना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये पूरे देश विदेश में पहुँचना चाहिए ये बात। ये मैं किस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ और आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपको मैंने ये वीडियो पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। हाँ, हम ब्लैक एंड वाइट ही ज़िंदगी में जी रहे हैं भैया, हम कोई नए ज़िंदगी में नहीं जी रहे हैं। हमें हमारे दिमाग में ना हवा भर चुका है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से बैठे हैं। हमें अब प्रोटेस्ट पर ही उतरना होगा। 2018 में भी कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट करने के बाद ही फटाफट काम हो पाया है ALP वालों के लिए, ALP ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए, अलग अलग नहीं है, सभी का नोटिफिकेशन एक साथ आया था। अभी इस बार मैं बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम में भी अभी NTPC का फर्स्ट फेज़ हुआ है, सेकेंड CBT आने वाला बाकी है, पहले फेज़ का आंसर की भी नहीं निकली है, सेकेंड फेज़ के CBT के आंसर की आएंगे, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि GDC ही का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उनका GDC का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ASM का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद फिर जाके अभी रेलवे ग्रुप डी का RRC का नोटिस आएगा, फिर एडमिट की जारी होगी, फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर बुलाया जाएगा। तो बहुत वगैरह वगैरह बहुत बातें हैं जो आपको इस वीडियो में मैं सभी बातें क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को देश दुनिया तक फैलाइए ब्रदर, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। और रिकॉर्डिंग को सुनिए, और रिकॉर्डिंग अच्छा ना लगे वीडियो को डिसलाइक मारिएगा, पूरा रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि क्या क्या मैंने बात किया है अपने ब्रदर से। मैंने नहीं, मेरे भाई हैं, उनको थ्रू मैंने ये चीज़ करवाई है, उन्होंने उनको मैंने बोला है कि आप पूरा डिटेल पता करिए। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं मुझे खुद को पता होना चाहिए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं और क्यों इतना वेट लग रहा है हमें। ठीक है फ्रेंड, तो देर न करते हुए हम चलते हैं, लेट्स गो टू द रिकॉर्डिंग्स। अभी हम रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। धन्यवाद, और आगे आएंगे, आगे मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है आपको। ठीक है, 2019 वाला RRC ग्रुप डी बैठा रहे अभी, फिर NTPC होगा, उसके बाद वो होगा NTPC सेकंड फेज। सेकंड फेज होगा, फिर उसका ये होगा, फिर SM का एक तो ये पोस्टपोन करके रखा है। क्या चीज? ASM का? अच्छा, SM का, स्पेशल मास्टर का। अच्छा, उसका एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया लोग, तो वो होगा। फिर जो ग्रुप डी का बैठा रहे अभी, तो बहुत टाइम लगेगा अभी। हाँ, तू देने वाला है ना SM वाला? SM वाला तो भरा नहीं है अभी, JEE का निकलेगा कुछ दिन बाद, वो मैं भरूंगा। तो JEE के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री। अच्छा, कोई भी डिग्री? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग डिग्री। अच्छा, इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक या टेक ना? हाँ, या फिर पॉलिटेक्निक जो मेरा है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, और रेलवे से वो लोग खुद तो 10% रेलवे से लेगा वो लोग। अच्छा, तो उसी कोटा में भरेगा। अरे सुनना संजीत पाल, तेरा वो शिफ्ट कौन सा था एग्जाम शिफ्ट, याद है? मेरा था मॉर्निंग शिफ्ट। हाँ, तो मतलब किस दिन, डेट याद है? डेट तो याद नहीं। देख, हम जब एग्जाम देने गया था पहले, जब हमको बुलाया था। हाँ, हम एग्जाम जब हमको पहले बुलाया था। हाँ, हम गया नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरा जिस दिन डेट गिरा था ना, हम गया नहीं था,
और ड्राइवर का मेरा हो भी गया था, उसमें मेरे 81 मार्क्स आया था। अच्छा, हाँ, लेकिन वो मेडिकल में अनफिट हो गया। तो ये मेडिकल ग्रुप मतलब बी क्या? वाला लोग, हाँ, हाँ मेडिकल में क्या मांगा था जो अनफिट हो गया? वो सी एग्जाम, तो सी बोल के इसमें एडजस्ट होता है, उसमें हम छटाई हो गया मतलब। आई साइट वाला? हाँ, हाँ नहीं, आज पहले आज का एग्जाम करेगा तेरा। अच्छा, हाँ आज का ही बहुत सारा एग्जाम होता है, लोग एग्जाम मतलब चेक करते हैं, सब में सही था, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, ये वो आल बाल सब करता है। और एक तो सी एक से टू टेस्ट होता है, तो उसमें हम फेल हो गया था, तो वो हम ठीक से कर नहीं पाया। तो 4 महीने बाद फिर से हमको बुलाया, तो हम गया ही नहीं। अच्छा कौन जाएगा बाल। तो पहले ग्रुप डी का जो था उसमें तो हम पहले गया नहीं था, ठीक है, अच्छा, जब हमको बुलाया था पहले, मेरा जब डेट गिरा था हम गया नहीं थे एग्जाम देने के लिए। बाद में वो लोग फिर से, तब थर्ड आया था मेघालय रिसर्च साइड में, गुवाहाटी आसाम इन सब में, इसलिए वो लोग फिर से बुलाया वो लोग, क्योंकि अच्छा, बहुत लोग एग्जाम देने आ नहीं सका था ना उस कारण से। तो मेरा सेकेंड वो लोग डेट दिया था मेरे हिसाब से सितम्बर में दिया था, सितम्बर अच्छा, सितंबर में। 19 ना 18? शायद 18 दिया था सर। अच्छा, 2018 में। तेरा हाँ 2018। मार्क्स टोटल कितना था? रॉ मार्क्स कितना था? 81 ना 80? मेरा रो मार्क्स था 80 पॉइंट समथिंग था, मतलब अच्छा, 81 ही पकड़ ले। और अब थर्ड ये क्या बोलते थे, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज 105। 105 हो गया था। बढ़िया है। मेरा शिफ्ट बहुत हार्ड था बे साला, तेरे क्या लगता है, वही तुझे तो, गंदू वही दिया वही ना। वही वही पूछना है, वही पूछना है। शिफ्ट तेरा क्या था वही तो चेक करता। हम भी मॉक टेस्ट लगाता है ना, तो देख मॉर्निंग शिफ्ट लेते। करेगा तो मॉर्निंग तो शिफ्ट मॉक में? से, मॉक के फसी से कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ इसे ढंग से पढ़ाएगा, खुद से सेल्फ स्टडी कर, पहले हाँ अपना तैयारी कर, उसके बाद मॉक मॉक टेस्ट दे। हाँ तो वही तो, पहले तो तैयारी कर रहा हूँ ना, मतलब इसीलिए हफ्ते में 1 से 2 दिन मॉक टेस्ट देता है। मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स अभी तो नहीं आ रहा, 40-45 अबे ऐसे आता है। सुन 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 मेरे बात सुन, रुक गया लगता है, मॉक टेस्ट दिया एक दिन कौन मैं, नहीं दिया? हाँ, और हम कितना कितना चुतिया को पता है ना, क्या इसका हम कुछ किया? नहीं किए। तो अच्छा अगर सच में मेरे को नौकरी चाहिए, एग्जाम निकालना है, अच्छा हम जैसे हम तेरे को भी पहले भी समझाया था, अभी भी बोल रहे हैं, हाँ तो भी पता तेरे को नौकरी की जरूरत है, तो हाँ पढ़ाई कर, ठीक हाँ है। मॉक टेस्ट फोकस बाद में दियो, पहले अच्छा, पूरा पढ़ाई कर तू। मतलब अपना सिलेबस कवर कर लेना। हाँ सिलेबस कवर कर, अच्छा, जहाँ से हो सके कर, मोबाइल से कर, कंप्यूटर जाके साइबर में जाके 2 घंटा बैठ जा, तेरे घर में नेट नहीं है तो तेरे साइबर में चला जा आराम से पढ़ाई कर, वहाँ पे लगे तो लाइब्रेरी चला जा, माम को फोन करके पूछ ले क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए, हम बोल देगा यार यहाँ की। ऐसे पहले अपना बेस क्लियर कर, उसके बाद मॉक टॉक दे तू। ये मॉक टॉक में विश्वास नहीं करता हम। नहीं करता अगर क्या? तेरे को, अगर सुन मेरे बात सुन, तेरे को अगर मॉक ही अगर मॉक टेस्ट देना है हाँ तो हम तेरे को एक सच बात बोलूँ, तेरे को थोड़ा तकलीफ होगा, वैसा अगर करेगा तेरे को और ज्यादा फायदा है, बोल। लगे तेरे 2 मार्क्स और बढ़ेगा। हाँ 2 मार्क्स बोलना। का डिफरेंस पता है तेरे को, बहुत होता है। अच्छा जो एक नंबर आया, हाँ जो एक नंबर लड़का आया है, हाँ और जो 10,000 में जो है, उन हाँ हाँ लोगों का बीच में डिफरेंस कितना होता है पता है, कितना कितना मार्क्स कितना? का पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस होता है, हाँ वही तो। पता है तेरे को ये बात, नहीं बे। पॉइंट 6.5 में ही कितना आदमी बुझ छटे हो जाता है। तो पहले एक काम कर, तू प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर निकाल, अच्छा नेट में मिल जाएगा, उसको हाँ सॉल्व कर तू। अच्छा नहीं हो रहा है तो बुक देख के कर, कहीं हाँ से भी कर, सॉल्व कर तू। हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो लगा रहा हूँ। एक है यूथ कंपटीशन टाइम, अच्छा है, बुक अच्छी है। कंपटीशन क्या मैगजीन मैगजीन पढ़ता है तू, घंटा उसे कुछ नहीं होता। नहीं मैगजीन नहीं है रे, बुक है, बुक बुक नया निकाला है, लॉन्च हुआ है बात मतलब। नहीं, बुक से कुछ नहीं होता, हम बोल रहे हैं तेरे को बुक से। तू बुक किताब पढ़ेगा तेरा टाइम बर्बाद होगा, तेरे को अच्छा एग्जाम निकलना है कि तेरे को पीएचडी करना है, तो नौकरी चाहिए तेरे को, ज्ञान चाहिए, वो क्या चाहिए तेरे को, हम बोल, नौकरी ही तो चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए ना। हाँ तो नौकरी, तो नौकरी चाहिए तो वैसे ही कर तू, किताब उताब पढ़ के तेरे कुछ नहीं होगा। अच्छा किताब में 600 पेज रहता है, और एक दिन में तो एक पेज पढ़ा तेरे को 2 साल लग जाएगा। किताब एक बार एक पेज जो पढ़ा है वो पेज तू कब पढ़ पाएगा पता है, तेरे को पता है, नहीं पढ़ पाएगा तू, किताब को छोड़ दे।
मोटा मोटा किताब जितना है सब छोड़ हटा दे, अगरवाल का किताब ले मैथ्स के लिए, मैथ्स के मेटेरियल ले, और रीजनिंग करने का जरूरत नहीं है अभी। रीजनिंग का जरूरत नहीं है। रीजनिंग का जरूरत नहीं, रीजनिंग अच्छा हमको 10 दिन पहले किया था। मेरा अच्छा कितना रीजनिंग में कितना आया तेरा? तो वो सब ओवरऑल मेरा आया था 80 कितना, उसका बात पता नहीं। अच्छा तो सब में तो अरे अच्छे जब मार्क्स। मेरा मार्क्स निकला 105, हम खुद ही हम बोला अरे समय गलती होगा, फिर हम दोस्तों वाले फिर चेक कर रहे हैं, जब साला उल्टा उल्टा दे दिया मार्क्स। हाँ, अरे वो ये बोला ना कि जैसे कि मान ले तो जीके वगैरह तो जरूरत नहीं होता, जीके तो घंटा आता भी नहीं तो होता। ग्रुप डी के लिए दो, ग्रुप हाँ के लिए जीके जरूरत है, मैथ्स का जरूरत है, तो अच्छा रीजनिंग रीजनिंग चाहिए, और साइंस भी डाल दिया इधर जीके फिर। साइंस चाहिए, साइंस चाहिए बाबू, साइंस तो करना ही पड़ेगा, हम देख साइंस के साइंस लिए सुन हम। सुना हम साइंस कर रहा 6 से 10 तक का एनसीआरटी बुक फॉलो कर रहा है, एनसीआरटी हाँ ही कर गुड रहा है गुड, हाँ वही कर वही कर, और कोई और कहीं बुक्स। भी माथा मारने का जरूरत नहीं तेरे को, हाँ वही करके उससे हो जाएगा। हाँ हम सबको यही बोलते हैं एनसीईआरटी फॉलो करो, हाँ हम भी वही किया था, हाँ और तेरा क्या बोलता है, और रीजनिंग तो अभी मत कर ठीक अच्छा है, अब मैथ्स और पे ज्यादा दे। रीजनिंग को तो रीजनिंग के बारे में भूल ही जा, तो जब डेट देगा ना तेरे एग्जाम का तभी हाँ तू रीजनिंग स्टार्ट कर, अभी तू रीजनिंग को भूल जा, अभी तू हाँ मैथ्स में और साइंस में फोकस कर, पूरा मैथ साइंस ना। और मैथ्स के लिए अग्रवाल फॉलो कर, कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमको फोन कर दियो या फिर नेट में देख लियो, लेकिन अग्रवाल को पूरा कंप्लीट करियो, अच्छा अच्छा बाकी इधर उधर मॉक फॉक मत दियो, हम बोल रहे फंस जाएगा तू, ऐसा अच्छा अच्छा लड़का बहुत करके से बहुत लड़का बर्बाद हो गया था, मॉक मॉक टेस्ट देने का तू कोशिश भी मत करियो, पैसा भी मत डालियो उसमें, मॉक टेस्ट में पैसा तो गया होगा तेरा, हाँ 200 रुपया दिया था वो टेस्ट बुक का, 270 रुपया। हाँ वो सब मत कर तू। हाँ तो ये अग्रवाल उठा उसको हाँ कंप्लीट कर, वो भी नया एडिशन वाला अग्रवाल, पुराना वाला नहीं नया वाला, अच्छा। और एनसीईआरटी का साइंस फॉलो कर फिलहाल के लिए, 3 महीने में ये कंप्लीट कर दे, और रिवाइज रिलेटेड क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करो, 5 साल का जितना आया था, 5 साल पुराना। 5 साल का मतलब 5 शिफ्ट का मतलब, अच्छा कोई भी 5 शीट का कोई भी उठा ले, मतलब हम लोग का 2018 में जो हुआ है 5 शीट का, ज्यादा करने ज्यादा आ जाएगा और अच्छा है, 2014 का भी उठा सकता है तू, लेकिन अच्छा 2018 का अगर तू करेगा 5 5 शीफ्ट का क्वेश्चन पेपर काफी है तेरे लिए, नौकरी चाहिए ना तेरे को, तो उतना ही कर तू, ज्यादा वो ज्यादा इधर उधर माथा नहीं ज्यादा मारना। हाँ ज्ञानी बने कोशिश मत करिए, फंस जाएगा। और बोल कैसा है तू, पागल ठीक ही है। तेरा याद आता पागल था पागल कैसा है, ठीक है कि वो नहीं। बात नहीं करता उन लोग से। और सुन ना, अच्छा सुन ना, क्या बता रहा था, ग्रुप डी वाला एग्जाम अभी तो नहीं होगा ना? अभी तो फिलहाल तो नहीं होगा, इतना गारंटी में दे देता हूँ, अगले साल भी नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा? नहीं होगा इसलिए, और अच्छा तेरे लिए। नहीं तो वो ये बोल रहा ना सीटी के अंडर में आ जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सुन सुन हम बोल रहे हैं, देख एनटीपीसी का एग्जाम अटका दिया हम लोग ठीक अच्छा है, एसएम का एग्जाम था वो भी अटका दिया, अच्छा एनटीपीसी का फर्स्ट वाला तो एग्जाम हो गया शायद, पहला हाँ हाँ हो गया ना पहला हाँ फेज, पहला वाला हो गया सबका। हाँ सेकंड फेज में अटका दिया, हाँ ये सेकंड फेज पहला का, वाला का आंसर की ही नहीं आया अभी तक। हाँ तो अभी पहले जो होगा पहले एनटीपीसी होगा, अच्छा आरआरबी गुवाहाटी फॉलो करते रहे, तो नोटिफिकेशन देते रहेगा तेरे को, पहले एनटीपीसी होगा ये तो श्योर है 100%, अच्छा अच्छा मैं हम लोग दोस्तों भी दिए एनटीपीसी, तो हाँ पहले एनटीपीसी होगा, कुछ भी हो जाए पहले एनटीपीसी होगा, मैं हम एनटीपीसी एग्जाम दिया तो मेरा 58 आ रहा है मतलब आंसर की काट के देखा था। कास्ट है जनरल है तू, ओबीसी ओबीसी, ओबीसी ओबीसी है 58, 58। हाँ नॉमिनेशन हुआ नहीं कहीं अभी नहीं, वैसा अभी कुछ, रोमा का है, रोमा सिक्स, चल रोमा सिक्स तो बहुत है तो तेरे पास, चल देखता है वही वही देख रहा। वो सीबीटी 60 तो बहुत है तो, नहीं, सीबीटी देखता है, CBT 2 के लिए थोड़ा थोड़ा देख रहा है और RC के लिए देख रहा है, दोनों पढ़ रहा है, दोनों तैयारी कर रहा है। 60 होने से तो तेरे चांसेस है तो 58 नहीं 68 नहीं 58, 58 58। में, 58 है, हमारा 68 है, नहीं नहीं 68 नहीं,
बेटा तो चलो तो भाई ज्यादा उठ सो जाता। नहीं, एनडीपीसी का पहले एग्जाम होगा, उसके बाद तेरा एसएम का एक तो नोटिफिकेशन दिया था बीच में, अच्छा। वो होगा ठीक है। फिर हमको रेलवे का तरफ से एक तो डीडीसी बोलता है इसको, जनरल डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्जाम, हाँ हाँ वो हाँ वो एक तो होगा, उसके अच्छा। बाद ग्रुप डी का होगा। एक ग्रुप डी क्यों लास्ट में होगा, हमको समझा तो बात समझ नहीं आ रहा। उसमें कैंडिडेट ज्यादा है ना, सैलरी हाँ ये भी बात है ना, 2-3 महीना तो यही खा जाएगा। ज्यादा भरा है ना उसमें, तो हाँ उनको मैनेज करने के लिए भी सब कुछ वो चाहिए ना। अभी तक घर में 10 आदमी आ जाएगा तो मैनेज करने का टाइम चाहिए ना। उनको सेंटर खोजना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कितना पिछले बार ही तो हम लोग कितना झमेला हुआ था पता नहीं। एग्जाम तक हम देने चला, आदमी घुसने का जगह नहीं है एकदम, हमने इतना आदमी, इतना इतना लड़का, इतना बच्चा, बाप रे अबे बाप। हम ये सोच रहा था ना, सोचा था कि कोरोना की वजह से शायद बहुत कम अच्छे बच्चे आएगा, लेकिन अभी सब कोरोना आएगा। को कोई खतरा नहीं, सुन कोरोना को खतरा नहीं लगे तो वो लोग दो दो करके, एक दिन दो दो करके बुलाने से ही बुलाएगा। कोरोना का बात नहीं आता इसमें, वो लोग शेड्यूल मिला नहीं पा रहे। वो लोग कोरोना का थोड़ा सा बात आया है बीच में था, लेकिन अभी नहीं है। कोरोना का वैसा होता ना तो एनटीपीसी का पहला एग्जाम भी नहीं लेता वो लोग, वो कोरोना के बीच में लिया वो लोग, हाँ सब एग्जाम स्कूल कॉलेज सब बंद, लेकिन वो एनटीपीसी का एग्जाम ले लिया वो लोग, अपना सिस्टम करके वो लोग ले लिया वो लोग। नहीं मतलब हम यही सोच रहा था ना, बहुत सारे एग्जाम एसबीआई पीओ का वो ज्यादा ज्यादा सोचता है तो अच्छा इससे तेरे को गर्लफ्रेंड वो छोड़ नहीं ना, छोड़ वो सब बात छोड़, वो बात अलग है। नहीं यही कि यही सोच रहा था ना, हम सोचा कि आरसीएस में हो जाता इस साल, हो जाता तो ठीक है था, क्योंकि आगे साल का मार्च से सीईटी लगेगा, पढ़ाएगा नहीं कुछ। इस साल नहीं होगा, अगले साल में ही कुछ जहाँ अबे तक इस साल एनडीपीसी होगा कि नहीं पहले वो सोचते हैं। अबे मतलब कहाँ फंस गए अभी हम, मतलब आगे यही सोच तेरे रहे को हैं। हम तभी बोला था तब जब स्टेशन में हम लोग जब बात कर रहा था, याद है तेरे को? 2017 का बात है ये सब, हमको याद है। हम बोला था नीरज एक फॉर्म तो भर देते, हम तो भरेगा तू भी भर दे, बोला था कि नहीं बोला था तेरे को? ए तू क्या देखेगा देखेगा देखेगा। अच्छा सुनना, ऐसा कोई बात है क्या कि रेलवे में कि एज कुछ है, एज का ऐसा कुछ फैक्टर है कि इतना तक कर सकता है इतना नहीं कर, मेरा क्योंकि एक लड़का देख देखा एज हुआ है। तो अभी लोग देख एज का जैसा था वैसे ही है, ठीक है। अच्छा जो 30 साल का बोला था ना, 30 साल तक का ही है, लेकिन अभी एज कम आएगा वो, ठीक है। अभी अभी देख पहले एसएम का एग्जाम होता था जो, अभी वो कांटेक्ट कर देगा, वो अच्छा कॉन्टेक्ट बेसिस, अच्छा कांटेक्ट विजिट कर देगा स्पेशल मास्टर का जो अच्छा वो, हाँ इसलिए वो एसएम का एग्जाम भी रोक दिया, वो नोटिफिकेशन दिया था लेकिन रोक दिया, तो कांटेक्ट कर देगा उसको। ग्रुप डी को भी कांटेक्ट कर देगा। अभी जो पहले घुसा है, हम लोग जो घुसा है वो घुसा ही है, अभी से नया लड़का नहीं मिलेगा हमको मेरे हिसाब से। अगर देखेगा तो एग्जाम लेगा वो लोग, लेकिन उनको जो लोग तेरे को बोलेगा बॉन्ड साइन करो, ये साइन करो, ऐसा बोलेगा तो वो ये करेगा, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ जाएगा। मतलब जो तेरा हम लोग जो हम लोग का तो काम क्या है, हम लोग ग्रुप डी का आदमी, हम लोग बोलने से लेबर का ही काम है, हम लोग का लेबर ही हम लोग, वो सब कांटेक्ट में दे देगा लोग, अच्छा अच्छा लोग को पोसा नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो कांटेक्ट में हो ही जाएगा, ये एसएम को भी कांटेक्ट में कर देगा, और पूरा स्टेशन को कांटेक्ट में दे देगा वो लोग, समझा। अच्छा 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 खाली परमानेंट रहेगा तेरा इंजीनियर लोग, अच्छा और बड़ा बड़ा जो ऑफिसर है वो लोग परमानेंट रहेगा लोग, और परमानेंट जो रहेगा। ऑफिस में जो काम करता है, जो हेड क्लर्क, ये कमर्शियल अच्छा टिकट कलेक्टर, ये वो रनिंग स्टाफ जो होता है, जो सीटी ड्राइवर, ये सब परमानेंट रखने, जो लाइन स्टाफ है जो, वो लोगों को कांटेक्ट कर देगा। कब से होगा ये सब? ये सब होगा, लेकिन ये सब फटाक से नहीं करेगा लोगों, लोग भी प्रोटेस्ट करेगा ना, रेलवे हाँ का आदमी थोड़ी मानेगा। वही तो बे, ऐसे तो कैसे होगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा चीज। तो ऐसा धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा, लेकिन अभी जो जो नोटिफिकेशन निकला उसका एग्जाम तो होगा, ये गारंटी है, लेकिन कब होगा ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं। एनटीपीसी के इस साल में होगा कि सेकंड फेज तो नहीं होगा, ठीक है। फिर एनटीपीसी होगा, उसके बाद आएगा तेरा एसएम का एग्जाम, फिर एसएम का एग्जाम को बाईपास भी कर दिया, उसके बाद आएगा तेरा ग्रुप डी का, तो मतलब 2019 का सीईएन, सीईएन नहीं था ना, सीईएन 2019, हाँ CN03 2019 ऐसे कुछ। हाँ। तो वो होगा, पहले 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 एनटीपीसी का मामला निपटाएगा लोग, उसके बाद ही ग्रुप डी का होगा अच्छा उसके एग्जाम। बाद ही मतलब सोचेगा कुछ।
उसके बाद ही कुछ होगा, क्योंकि अबे आपको हम क्या मतलब हम पहले डेली ये सोचता है कि नया नोटिफिकेशन कुछ आया है दिख रहा। डीवी कम करके, डायरेक्ट सुना, मतलब। डीवी का जो वो मार्क कम कर करके सबको नौकरी दे रहा, अभी दे रहा है। सोच वही काम पहले कर लेता तो इतना उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, असल इकोनॉमिक में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। डी बोले तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है अभी, जितना बच्चा लोग है जिसका मतलब मार्क कट कर करके, मान ले सिक्सटी ठीक नाइन है कट ऑफ अपना गया तो 68 करके उसको ले किस रहा एग्जाम का, है। हाँ किस एग्जाम का। हाँ 18 वाला ही। तो 18 वाला का क्या हुआ तेरे को पता है, तू हाँ तो जो बोल रहा था गलत इन्फॉर्मेशन है, मेरे से पूछ ना, हम बोलते करेंगे। क्या, हाँ तू सही बोला, जबरदस्ती हाँ गुस्सा है, हम मानता ही है। क्या हुआ हम बोल रहे तेरे को, देख हाँ उन लोगों को चाहिए था 100 आदमी, एग्जाम अच्छा हम तेरे को एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। उन लोगों को चाहिए था 100 आदमी और उन लोगों ने कट ऑफ मार्क्स दे दिया था कि इतना का मार्क्स, इतना नंबर जिसका ऊपर रहेगा उन लोग के देगा ऐसा, ठीक है। उन लोग एक टाइगलाइन लगा दिया था ऐसा, ठीक है। ये हम लोग का एस सी का, हम लोग एस सी कैटेगरी है तो एस सी का उन लोग दिया था 71 कट अच्छा ऑफ, कट ऑफ गुवाहाटी का कट ना। ऑफ मार्क्स। हाँ हम लोग का गुवाहाटी आ रहे, गुवाहाटी का 71 कट ऑफ दिया था हम लोग, एस सी का सोच ली थी वो भी रोम ये अपना नहीं अपना 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 नॉमिनेशन, अपना नॉमिनेशन, अपना हाँ अपने नॉलेज। हाँ नॉमिनेशन। हाँ तो हाँ उन लोग को क्या हुआ, उन लोग को 100 चाहिए था सबका, अच्छा बीमल का ये सब दे दी, जनरल का 85 कर दिया, ओबीसी का 80 कर दिया, हाँ एसटी का कर दिया 60 और एससी का कर दिया 70 72 ऐसा कर दिया। तो उन लोग को कैंडिडेट मिला नहीं, ठीक है। उन लोग एक वेटिंग लिस्ट में करा, हम लोग को जो पहले हम लोग जो घुसा तो घुस ही गया, पहला फर्स्ट लिस्ट में तो हम ही घुसा, हम लोग फर्स्ट लिस्ट में आया, पहले तेरा फर्स्ट लिस्ट निकाला तेरा हम, भाई किस फेज में गया? बोल रहे हैं सुन तो, फर्स्ट लिस्ट निकाला पहले वो लोग, फिर सेकंड लिस्ट निकाला वो लोग, फिर भी लोगों को पूछा नहीं रहा, हो नहीं रहा, मतलब कैंडिडेट नहीं मिल रहा हम लोग को, इतना सबका मार्क्स इतना कम कम आया कहाँ से लेगा वो लोग, उन लोग को भी चाहिए आदमी चाहिए। फिर निकाला वो लोग एक तो वेटिंग लिस्ट, पहला फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा भाई था, ओरिजिनल इसमें मेरा भाई दूसरा उसका कितना उसका मार्क आया था टोटल? कट ऑफ था, उसका हाँ कट ऑफ मार्क उसका ही था, जो अच्छा, कट ऑफ था वही 71 मार्क था था 71 पॉइंट समथिंग। उसका। और मतलब नॉर्मलाइज होके हुआ था ना पहले हाँ रोमा? हाँ हाँ मामू रोमांस था उसका 66 समथिंग था, उसका अच्छा कट ऑफ 66। करके 71 समथिंग हुआ उसका, सीट इजी था, ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ाया। अच्छा किस शिफ्ट में था पता नहीं उसका। तो क्या करे कहता तू जान के दे, इस चीज में तू तो अपना खुद का पढ़ाई करना, तू इसलिए तो तेरे को नौकरी नहीं मिली, ज्यादा इधर उधर का सोचता है तू। उसके बाद क्या हुआ हम बोल रहे तेरे को, उसके बाद हुआ पहला वेटिंग लिस्ट दिया लोग, उसमें भी दो कैंडिडेट नहीं मिला, फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट दिया उसमें भी नहीं मिला, फिर थर्ड निकाला उसमें भी नहीं हो रहा है लोगों, फिर इसे बैक एंट्री से घुसा रहा आदमी लोग, अभी भी नहीं हो रहे, हम लोग खुद का एम स्टाफ नहीं है, जहाँ में 16 आदमी चाहिए 15 आदमी चाहिए, जहाँ लिखा हुआ है ऑन पेपर वो हमें सिर्फ एक या दो ऐसा करते हैं, जब ज्यादा ज्यादा पांच, तो बाकी का क्या है आदमी, बाकी पैसा कौन खाया है कि नहीं, तो ऊपर से झोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना आदमी को नौकरी देना है तुम लोग उतना को नौकरी नहीं दे रहे हैं, मतलब जो वो ऊपर ऊपर वाला है उन लोगों को सबको नौकरी दे दिया, लोग जिस जिसका सबसे मार्क्स मिला है सबको दे दिया, बाकी को नहीं ले रहे वो लोग, वैकेंसी एक्चुअली कम निकाल रहे लोग इस बार, इस बार कितना वैकेंसी कितना है इस बार, इस बार अच्छा वैकेंसी 65,000 था ना। इस बार 19 में, और 19 वाला हम लोगों में कितना था, कितना हम लोग में कम था। कितना था था? 35, 50 नहीं, हम लोग का 62, 61, 63 ऐसे कुछ था पहला वाला में। अरे पूरे इंडिया के बाद नहीं बोल रहा, गुवाहाटी के बाद बोल रहा, गुवाहाटी का उस टाइम में कितना था? 1800 25 था? सौ नहीं, 25 था क्या? अभी वाला 2500 है, समझा? अभी वाला 2400 समथिंग है, 70 है। 2400 है अभी इतने में, हाँ, अब और पहले हम लोग वाला का में होता कितना है 1800 का, 1870 ऐसा कुछ था। 1800 का ना,
इससे तो 8 हफ्ते होता है क्या? पूरा 300 के डिवीजन हो पाएगा? मतलब 300 क्या है? फिर ये तेरा अभी गुवाहाटी काउंटर में आता है 300 के डिवीजन, फिर रंगिया डिवीजन, रोमिंग डिवीजन, फिर तेरा अलीपुरद्वार डिवीजन, कटिहार डिवीजन। कटिहार भी तो गुवाहाटी काउंटर में आता है, तो अच्छा 5 डिवीजन आता है ना, तो उसमें 18 साल में से होता है। बोल तू कितना वही तो। स्टेशन है, कितना गेट है, कितना कुछ है, कितना गैंग है, वैकेंसी कम निकल रहा है। अभी क्या है, नौगांव में क्या क्या है? नौगांव में क्या करने है? कोचिंग यही पे है, प्रिपेयर कर रहा पढ़ाई का। और क्या कर रहा है, वोचिंग ज्वाइन कर लिया क्या तू? घंटा कोचिंग वोचिंग नहीं, ऐसे हन अकेडमी से कुछ कुछ पढ़ता है। और तो आने के दिन तेरे को बोल रहा है तू ऑनलाइन पढ़े, मत कर मत कर, सुनता नहीं है तू, कुछ ऑनलाइन से कुछ नहीं हो रही है ना। नहीं होगा। पहले खुद का किताब, पहले किताब पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। देख तू एक किताब को 10 दिन पढ़ सकता है, 10 किताब को 10 दिन में नहीं पढ़ सकता। वही किताब पकड़ जो तू उसको डेली डेली पढ़ सकता है, मतलब रट्टा मार पकड़ ले, रट्टा मार ही ले तू। ऐसा किताब ही पकड़ ले, 2 ही किताब पढ़ तू लगे तो, लेकिन उसको तू जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उसको देख। रिवाइज के ऊपर बहुत कुछ होता है, तो पढ़ लिया भूल जाएगा। तू भी इंसान है, बाकी हम भी इंसान, सबको इंसान है, भूल जाएगा वो। ठीक है, तो तेरे को जो बोला अग्रवाल का और एनसीईआरटी को फॉलो कर, पहले मैथ्स और साइंस का बेस बना। रेलवे वाला मैथ्स को ज्यादा पूछता है, साइंस अच्छा। को ज्यादा वो करता है। जो जो छटाई हुआ ना, जो जो निकला है, पता किसकी वजह से निकला? तो मैथ्स की वजह से निकला, साइंस की वजह से निकला। जिसका मैथ्स वीक है वो गया जान मारा गया, जिसका साइंस कम कमजोर है वो भी जान मारा गया। बाकी जीएस क्या होता है, करंट अफेयर सीए, और जीके तो पूछता भी नहीं, करंट अफेयर रेलवे तो करंट अफेयर पूछता है, जीके स्टैटिक्स नहीं पूछता, लो डायनेमिक ही पूछता है, करंट अफेयर से पूछता है। करंट अफेयर और रीजनिंग में तो घूम फिर के तो मार्क्स उठा ही ले जा, रीजनिंग से थोड़ी देर, रीजनिंग तो वैसे भी सब लोग रीजनिंग में बहादुरी मारता था। रीजनिंग में तो अगर तेरे को 25 कितना होता है, 25 25 25 आते नहीं, हैं इस पर 30 है। तो 30 है, तो हाँ तेरे को फिर के 22 केस मिल ही जाएगा आराम से। रीजनिंग में वो 10 दिन भी पड़ेगा आराम से मिल जाएगा 22 केस, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी 22 मिल जाता है। और करंट अफेयर थोड़ा सा वो डेली डेली थोड़ा वो जीके टूडे करना, अच्छा जी के टुडे, अच्छा लेकिन ज्यादा नहीं, आधा घंटा अच्छा डेली, आधा घंटा उससे ज्यादा नहीं। डेली मतलब आधा घंटा उसमें देना है जीके टुडे में ना। जीके टुडे वेबसाइट हाँ है वो, अच्छा हाँ बस वही आधा घंटा कर, ज्यादा ज्यादा डीप में मत जा, जितना तेरे एग्जाम का जरूरत है उतना ही कर, अच्छा। जितना तेरा पेट मांग रहे उतना ही खाना खा, ज्यादा मत खाने को मत जा। और और मैथ्स के लिए ज्यादा आरक्षक। ज्यादा फोकस कर तू मैथ्स में, और ये क्या बोलते हैं साइंस में, अच्छा ज्यादातर आदमी छटाई उसी में हुआ। ठीक है, थैंक्स भाई, ये तो बहुत साइंस टेंशन हो में लड़ खा गया, हम तो गया। एनसीईआरटी पढ़ ही गया था, हम तो फाड़ दिया वहां लगे। तो फाड़ दिया मैथ था। तो मेरा तो मैथ तो ठीक ठाक ही था, हम मैथ पहले बहुत फोकस किया, हमको पता है एग्जाम निकल रहा है तो मैथ्स को करना पड़ेगा। मैथ वो नहीं आता, मैथ्स नहीं आता तो अरिथमेटिक तेरा कमजोर है तो भूल जाओ नौकरी सर को। मैथ्स को हम पूरा एकदम स्ट्रांग बनाया था, खतरनाक किया था एकदम, मतलब क्या बोले कहाँ से क्वेश्चन देगा, दे दे सब फाड़ दे। मैथ्स में कितना आया था हमको, हमको मेरा वो क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला एग्जाम में कितना, 65 मार्क्स का एग्जाम था ना किसमें, वो हम भूल ही गया बस, कब क्या एग्जाम दिया था पहले वाला जो रेलवे फर्स्ट वाला। एग्जाम, हाँ ग्रुप डी का, ग्रुप हाँ तो 100 का था ना डी का वो। दो एग्जाम होता है रे बाबू, हाँ ग्रुप डी का दो एग्जाम होगा, पहले अच्छा क्या, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा छटाई वाला जिसको स्टार्ट करना है, तेरे अच्छा को पता नहीं क्या साला? नहीं, ये इसके बारे में कहाँ पता है। दो एग्जाम होगा तो अच्छा ये देखा, तू जो फॉर्म भरा ना दो हाँ दो एग्जाम होगा, पहले अच्छा, क्या क्या पहले। एग्जाम सेम ही रहेगा, पहले एग्जाम इसलिए होगा, देख रेलवे वालों को क्या चाहिए, हेरासमेंट नहीं चाहिए, पहले एग्जाम इसलिए करेगा क्योंकि छटाई करेगा वो लोग, अच्छा जो कमजोर स्टूडेंट है उन लोग को निकाल देगा, अच्छा उन लोग को भी तो पैसा भरना पड़ता है ना। हाँ उन लोग को भी ये क्या बोलता है
और रेलवे वालों को ये तेरा आयोन को बुक करना पड़ता है, तो उन लोग तो ज्यादा स्टूडेंट होगा एक ही बार में एग्जाम में, ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा हेरेसमेंट होगा, उनको नीट एंड क्लियर एग्जाम चाहिए। तो पहले इसमें एग्जाम देगा कि छटाई कर देने के लिए, अच्छा जो जो डिजर्विंग नहीं है उसको हाँ निकाल देंगे। अच्छा फिर वो लोग कट ऑफ देगा। तो पहले एग्जाम था 65 मार्क्स का, मेरे अच्छा को आया था 58, अच्छा मेरे मैथ्स में थोड़ा जितना था उतना हम तो सॉल्व करके आ गया मैम जी। तू ग्रुप डी का बात बोला ना, लोको पायलट का ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी में ग्रुप ऐसा में नहीं है लोगों तो? का, अरे ग्रुप डी में सही है फिर। पागल क्या बोल रहे हैं, पहले ही तो उसका सीवीटी वन ही होता होता है, एक ही तो होता है। एनटीपीसी में तो दो होता है लोको हम पायलट किसका दे, सीबीटी वन किसका दिया था, लोको पायलट कहाँ। दे था क्या? हाँ कहाँ बुला रहा है, दो एग्जाम दिया ना लोको पायलट है तू, हाँ, दो एग्जाम दिया था। ओ हाँ धोखा हाँ 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 है एकदम ओ पायलट का वो ग्रुप डी का सीबीटी एक ही हुआ था ना, तो साला टेंशन देता देख है, उठा के पटक देगा तुमको, बम से उठा देगा मार देगा। कैंडिडेट होगा ना तो ले लेगा वो एग्जाम, हाँ बोले बात को समझ, देख ऊपर समझ रहा बात, एनटीपीसी का दो लेता है उसका बात समझ में आता है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट देगा तो ऐसे बाबू को नहीं नहीं देगा ना, कुछ है। तो हाँ लोगों पर, क्रेडिबिलिटी रहना चाहिए ना। हाँ सीबीटी एग्जाम बॉर्डर में दिया था, सुन सीबीटी बॉर्डर में दिया था, सीबीटी तो तेरा मेघालय में जाके, ये शिलोंग में जाके दिया था। हाँ तो वो और बात है। ये तेरा ये क्या बोलता है ग्रुप डी का सीबीटी हम यहाँ पे दिया था बॉर्डर में। वही सही बोल बात रहे है, हैं, हम वही बोल रहा हूँ कि सब भूल ही गया, हमको टेंशन कब में क्या देगा तो एग्जाम हम लिया था यहाँ पे कब मर क्या जाएगा, हुआ हमको जनता टेंशन देगा तो हम मर जाएगा यहीं पे। जनता, जितना एग्जाम होगा उतना तेरा फायदा है ना, खुद का पढ़ाई में भी फोकस करना, खुद का कॉन्फिडेंस रखना, एग्जाम से क्या डरता है, नौकरी के नहीं एग्जाम से मत डरिए। नहीं भाई, डरने का कोई बात नहीं समझा, लेकिन ये बात है कि मतलब ये हैरेसमेंट, ये मतलब अंदर मतलब एनजाइटी फील हो रहा है कि अब कब तक एग्जाम हो जाएगा, क्या होगा, एग्जाम कब तक आने वाला मेरे है। जैसे हुआ था, मेरे जैसे हुआ था एग्जाम, देख हम बोल रहे एग्जाम से लेट होगा ठीक है, कुछ दिन के लिए लेट होगा, अभी पहले एनटीपीसी होगा उसके बाद ही कुछ होगा, सोच भी 3 साल के लिए हम लोग रुका इस है, साल अढ़ाई के नहीं होगा, अगले साल का फर्स्ट फर्स्ट हाफ तक मतलब जुलाई तक नहीं होगा, जुलाई तक नहीं होगा, नहीं होगा, जुलाई तक एग्जाम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। पहले एनटीपीसी लोग क्लियर करें, एनटीपीसी का सेकंड फेज तो कुछ ये नहीं हुआ अभी तक, कहाँ से हो, पहले सेकंड फेज होगा, रिजल्ट देगा, वो की देगा वो लोग, इसको यहाँ डीबी बुलाएगा, इसको यहाँ बुलाएगा, ये सब करेगा, उसके बाद ही ना कुछ होगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन देगा कि नहीं, फिर जो भी नोटिफिकेशन देगा, फिर उसका एग्जाम का डेट देगा, एडमिट कार्ड इशू करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा ना उसको। एनटीपीसी का अभी कब, ये एनटीपीसी जो अभी एग्जाम हुआ, जो अभी रिजल्ट दिया, वो कब फॉर्म निकला था? वही तो, वो भी उसी टाइम में तो निकला था, एक ही साथ तो आया था हाँ दोनों। एक ही साथ फॉर्म में, देख अभी एग्जाम, अभी तक सेकंड फेज भी नहीं हुआ उसका, वो हम लोग का लग अच्छा था कि एग्जाम हम लोग का जल्दी जल्दी हो हो जाए। गया, हाँ तुम लोग का बहुत अच्छा हाँ लगता। रिजल्ट अटका दिया था हमको पता है, फिर हाँ वो सीएटी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुवाहाटी में, वहां जाके हम लोग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद जाके रिजल्ट दिया। सुनना, ये बोल रहा है ना कि अगले साल सीईटी भी लगने वाला था, सीईटी के अंडर तो ये नहीं आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसके अंदर तो ये नहीं आएगा ना, ये तो इसका। अभी वो अप्लाई नहीं होता है वो, ठीक है, अच्छा वो अभी बेसिकली वो सीजीएल के लिए अप्लाई होता है वो, ठीक अच्छा है, उसका तो अब टेंशन मत ले, कॉमन अच्छा कॉमन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कैसा कुछ नहीं है, एक तो हाँ एग्जाम एग्जाम ऐसा सिस्टम करेगा वो लोग, एक तो एग्जाम देना पड़ेगा अच्छा उसका, वो पास करेगा तो, वो पास करने के बाद तो कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट बैठ सकते हैं, मतलब स्क्रीनिंग सिस्टम करेगा वो लोग, अच्छा मतलब क्या क्या होता है कि पुलिस हो, सीजीएल हो, हम लोग रेलवे हो, कोई भी पीडब्ल्यूडी, वो लोग क्या करते हैं, छटाई करते हैं पहले, तो उन लोग उसमें उनका बहुत पैसा खर्चा होता है, तो सरकार ऐसा सोचा है कि सबको एक ही ये क्या बोलते हैं चादर के अंदर वो लपेट लेता है, सब लोग एक एग्जाम दो, पहले जो पास कर पाएगा वही नौकरी के लिए एग्जाम दे सकेगा, ऐसा पहले पता है ना, कोई भीड़ बढ़ाने के लिए आता है ना, जो बॉर्डर में जो जाता है एग्जाम देने हम लोग, कितना भीड़ होता है, वो भीड़ को कौन हैंडल कौन करेगा, एक तो स्टैंपेड स्टैंपेड हो गया, कोई मर वर गया तो क्या होगा, हाँ वही तो। तो वो भीड़ हटाना है उनको,
वो लोग ज्यादातर भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, वो लोग पढ़ाई वढ़ाई करके आता नहीं है। 10 लड़का जाएगा उसमें से एक ही लड़का पढ़ाई करके आया है, बाकी लड़के ऐसे घर वाला बोला है जब बाप बेटा फॉर्म भर दे एग्जाम दे दे ये हो ये कर वो कर, वो लोग को तो एग्जाम नहीं मिले पास नहीं कर पाएगा ना, पहले का होता अलग था, अभी तो ऐसा नहीं आता, ऐसा कहने से काम नहीं बनेगा। अभी वो सरकार वो सोचा है कि वो सबको हटाएगा तो उसका टेंशन मत ले, तू ग्रुप डी में फोकस कर, तेरे पास टाइम है अभी भी पढ़ाई कर। उसको क्या नाम था पगला का? भूल गया फैम भी नाम क्या था, फैन 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 हाय तो नहीं से कुछ हाय सैम हाय कुछ भी आवाज था ना, उसको तो भूल ही उसका गया हम। मेंटली प्रॉब्लम समझा, उसको हाँ मेंटल का प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम हो। हाँ साला वो हमको ही पगला कर देगा हमको लगता था। तो अभी कैसा है जॉब में है कि तू ना क्या नहीं अभी चल मतलब कुछ कैसे रहेगी? सेल्फ सेल्फ है, मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा है अभी, खुद से मतलब यहाँ पे खाना बनाता है, रहता है यहीं पे है और पढ़ाई कर रहा है मतलब। गुवाहाटी में रहता, घर में रहता, वहीं से बैठ के पढ़ाई करता, क्या तू भी साला बाहर चला गया, नगाँव चला गया, ये साला पता नहीं बाहर नहीं है, गुवाहाटी ज्यादा दूर नहीं है, सामने में ही है। है उनको 3 घंटा तो लगते हैं कम से कम। नहीं देख अभी मैं कुछ दिन के बाद 1 महीने बाद वहीं चला जाऊंगा, गुवाहाटी में ही चला जाऊंगा, और वहीं पे मतलब कुछ टुक टाक काम करना, काम वही सोच रहे हैं ना, काम भी करें या पढ़ाई भी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना दोनों, क्या बोल रहा है। नहीं ऐसे नहीं होता, हम तो पढ़ाई के लिए काम छोड़ देते ना हम भी। वही तो मतलब ना, कम से कम 7-8 महीने तो हमको लग रहा है अभी तक तो एग्जाम होने का कुछ ऐसा होगा, 7-8 महीने तक, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। चलो ज्यादा नहीं चाहिए, तू दिन में 4 घंटा पढ़ाई कर, तो जॉब भी कर भी पढ़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 घंटा पढ़ना बहुत काफी है, इनफ है। तो फिर वो तू बोलेगा तो हम दोस्त को बोलेगा तो तेरे को कुछ कर देगा जॉब का, कौन किसमें डीटीडीसी में जॉब करेगा, डीटीडीसी कुछ अच्छा, उसमें मतलब क्या सिस्टम क्या है, कितना करके मिलेगा। अच्छा नहीं है, तो टाइप करना है पार्सल, वो माल आएगा जो पार्सल आता है जो हाँ हाँ डिलीवरी के लिए, टाइप हाँ करना है लेकिन हाँ फ्लिपकार्ट वगैरह का ऑर्डर होता है अच्छा 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 वो आएगा तो टाइप करेगा, हो गया बैठा रहो वहाँ पे पढ़ाई करते रहो, ओके ज्यादा कितना करके देगा फिर नहीं मिलेगा, दस भी, 11-12 हज़ार ऐसे देगा, दस ग्यारह बारह हजार सही मिलेगा और क्या मिलेगा। हाँ समझा। हम मेडिकल में ले, मतलब काम कर रहा था कुछ दिन, तो उसी में हम सोच रहा है कि मुझे बुला रहा है भैया भी कि वहीं पे आ जाओ, तो देखता है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा समझा, अभी उसमें जाए क्या करें क्या नहीं करें, और ये भी है कि मतलब निकालना है हमको जैसे भी करके बताओ। तेरे तेरे मन में क्या है, एग्जाम निकालना है तो हाँ पूरा निकालना है। एग्जाम जब तेरे को निकालना है तो एग्जाम का सोच, बाकी सब कुछ भूल जा तू, लगे वही तो 2 दिन बिना खा के रहे, हाँ ठीक से पढ़ाई कर, कुछ मदद होगा हमको बोलना, हम कर देंगे मदद तेरा। चल ठीक है, तेरा नंबर नहीं लगता है अभी, फोन करने के बाद ना इस नंबर पे भी हाँ अभी लगता है तो तू तो सैटेलाइट में बैठ के फोन किया उनको, नंबर क्या। नहीं लगता। हाँ अभी तो तू मोबाइल के टावर में उठ के हमको मेरे फोन का कनेक्शन लगाया तू, अभी कैसे फोन और किया तू मेरे को? हाँ तो घर के पास में तो यहीं पे तो डेली फोन करता हूँ, 2 दिन 3 दिन बाद बाद देख के करता है कि लग जाएगा बात हो जाएगा उससे, कुछ एग्जाम के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जाम होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम तो होगा, नोटिफिकेशन जब दिया है एग्जाम, एग्जाम नहीं होगा तो क्या स्टूडेंट लोग छोड़ देगा क्या? वही पागल हो गया है अभी सब खेला में जितना भी खेला ना। खेल, नहीं खेला खेलता है क्या वो लोग? हम लोग का टाइम में कितना लफड़ा होता है पता है ना? तेरे हाँ वही को तो पता नहीं? नहीं उसका तो हम लोग का सुन, हम लोग का 2018 में हम लोग सुनते हैं वो, हम लोग का केस तो क्या खेला है लोग, 2018 में नोटिफिकेशन दिया है लोग, कब दिया था? 2017 में दिया था, 2018 में दिया था? हाँ 18 में ही आया था। हाँ 2018 में नोटिफिकेशन दिया, ठीक है 2018 में ये लोग फटाफट एग्जाम ले लिया लोग, पहला हाँ एग्जाम हाँ लोगो पायलट का और ग्रुप डी का एक ही साथ दिया था लोग, हाँ मिला के ले लिया वो लोग, ठीक है हम तो एग्जाम देने गया नहीं ग्रुप डी का, हम तो लोगो पायलट मेरे को पता है मेरा हो जाएगा, हम श्योर था एग्जाम हो ही जाएगा, तो हो ही जाता है, हो ही गया था मेरा। बाद में वो लोग क्या किया, लोको पायलट का एग्जाम को डिले कर दिया लोग, सेकंड टेस्ट को, जैसे हमने एनटीपीसी किया ना लोको पायलट का डिले कर दिया, तो ग्रुप डी का तो एक ही एग्जाम है उसको कैसे डिले करें, उसको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो बाद में वो लोग ऐसा एक्सक्यूज दिया कि रुको अब रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, ये कुछ बाढ़ आ गया था उधर, फ्लड आ गया था, बहुत स्टूडेंट लोग एग्जाम दे नहीं पाए, हम भी गया नहीं था एग्जाम देने के लिए,
तो हमको भी मैसेज आया कि आपका एडमिट कार्ड फिर से, आपको एक फिर से मौका दे रहा है, आप एग्जाम दे दो। लोको पायलट वाला? नहीं, डुप्लीकेट लोको पायलट का एग्जाम दे ही हो गया था पहला, लोको पायलट का पहला हो गया, ग्रुप डी का पहला हो गया, लोको पायलट का अटका दिया, बाद में ग्रुप डी का फिर से सेकंड वाला बुलाया, मतलब जो आ नहीं पाया एग्जाम देने के लिए उन लोगों को बुलाया, तो हम उसमें गया। तो हम 2018 में दे दिया था सर, सितंबर में तो ऐसे कुछ हम दिया हमें याद नहीं थी, तो उन लोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। मार्च 2019 का मार्च में लोग ये दिया, की दिया, की दिया, तो देखो जिसको ऑब्जेक्शन है तो बोलो। फिर उसके बाद हेलो, उसके बाद क्या किया उन लोग, उन लोग रिजल्ट दिया तेरा कुछ दिन, कुछ महीने बाद दिया, 2-3 महीने बाद रिजल्ट दिया। रिजल्ट के बाद क्या हो गया, असेसमेंट नहीं दिया लोग, सब रिजल्ट दे दिया, लिस्ट भी नहीं दिया लोग, तो रिजल्ट दे दिया सबको, सबको पता है कि मेरा मार्क्स कितना है, तेरे को पता है तेरा मार्क्स कितना है, इसको पता है इसका मार्क्स कितना है, लेकिन रिजल्ट लिस्ट नहीं दिया। वहां से यहाँ से एक तो आदमी गुवाहाटी का एक तो आदमी कंप्लेन कर दिया कि हम लोग का एससी का आदमी का आदमी काम है, एससी का आदमी को दो और एक और दो। हम लोग का जितना एससी का जो था उनको तो माथा खराब होगा, क्या रहा बेंच, हम लोग खुद एससी है तो क्या माल पकड़ पकड़ करता है। हम लोग जाके डाल दिया वहाँ पे पिटीशन डाल दिया। अच्छा, पिटीशन डाल दिया। हम लोग गुवाहाटी का आसाम का ज्यादा लड़का था, हम लोग आसाम का ज्यादा लड़का नहीं था, 60 या 70 ऐसा लड़का था। हम लोग जाके डाल दिया, साइन मार के डाल दिया हम लोग। फिर उसको हियरिंग हुआ, उसमें सबका पूरा गुवाहाटी जोन का आदमी लोग को अटक गया, एकदम रिजल्ट रुक गया। हम लोग पटिशन डाला, ये किया, फिर वहां मुझे केस लड़ा, फिर 5 2019 का 5 सितंबर को हियरिंग था, रिजल्ट होगा, मतलब उस दिन कोर्ट ये देगा, मतलब सुनवाई करेगा। तो वो आदमी जो पटिशन डाला था तो वो हार गया, 5 सितंबर को वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुवाहाटी में जो है हेडक्वार्टर, वहां से रेलवे को आदेश दिया कि आज से आज ही रिजल्ट दे दो। हम घर पहुंच भी नहीं सका, पीडीएफ आ गया, रिजल्ट आ गया। अरे साबा, 5 सितंबर को रिजल्ट आ गया, लगा लगा वहां से हो गया, लगा लग रिजल्ट आया। फिर हम लोग का ग्रुप था व्हाट्सएप में, हम लोग सब शेयर किया सबको, हम जाके नहाए हुए हम लोग, ठीक है रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने से भी एक लफड़ा हो गया ना, अपॉइंटमेंट नहीं दिया ना अभी तक, रिजल्ट तो आ गया अपॉइंटमेंट नहीं दिया। गुवाहाटी के अंदर में 5 डिवीजन है, तो तिनसुकिया है, रंगिया है, लामडिंग है, अलीपुर है, कटिहार है। अभी हमको कहाँ चाहिए वो भी बात होता है, वो लोग पूछेगा ना कहाँ चाहिए तुमको ये चाहिए। हम तो रंगिया लेने वाला था, हमको रंगिया दिया नहीं, वो तिनसुकिया दे दिया हमको। हम बोला सर मेरा घर तो गुवाहाटी में ही है, हमको रंगिया डिवीजन देने से अच्छा होगा, नजदीक होगा, तो बोलो लामडिंग ले लो। सर हम लामडिंग नहीं, लामडिंग स्वागतला पकड़तला भेज देगा बंच, तो और दिक्कत हो जाएगा हमको, घर का सामने रहना पड़ेगा ना, जैसे भी हो। हम ऐसा देखना चाहिए, तो बोल ठीक है यहाँ पे जा, हम 300 का दे दिए। तो बाद में जाके अपॉइंटमेंट तेरा दिया 5 तारीख को, तो ओ दुर्गा पूजा ये 9 अक्टूबर 9 तारीख को, ओ जिस दिन नवमी था, नवमी 2019 का 9 अक्टूबर को नवमी था, दही दे रहा था, सब जैसे दिया अपॉइंटमेंट, हमको पीडीएफ फाइल किया, फिर पोस्ट किया, फाइल पोस्ट किया, तो जैसे जैसे नौकरी मिला तुमको ऑन गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको समन दिया, मतलब हमको बुलाया, समन बोलते ना समन, हमको बुलाया रेलवे तरफ से, तब जाके गया, तब जाके 16 अक्टूबर को हम ज्वाइनिंग किया, और यहाँ के पूछा 18 अक्टूबर को, इतना थकड़ा लगाया वो। चल मिल तो गया नौकरी, क्या है अब कोई टेंशन नहीं। सुन ना, कितना घंटा करना पड़ता है, कितना घंटा करता है काम? 8 वैसे तो हम लोग का 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटा तो कोई करता नहीं है। मालूम है, मेरा पापा खुद ऐसे ड्यूटी का क्या है, देख ड्यूटी का तेरे ऊपर नहीं, ड्यूटी तेरे ऑफिसर के ऊपर है। ऑफिसर गांडू होगा तो देखो ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ऑन टाइम आना पड़ेगा, ऑन टाइम जाना पड़ेगा। अगर तेरा ऑफिसर सही रहेगा, हम लोग का ऑफिसर क्या होता है, मतलब थोड़ा ठीक है बोल के हम लोग थोड़ा ठीक है,
कल को ऑफिसर बदली हो जाएगा तो हम लोग तो कम नहीं हवा निकाल देगा, समझ रहे हैं। तो हाँ समझा। ड्यूटी पे ऐसा ऐसा नहीं है, जॉन पेपर है वही ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ड्यूटी टाइम पे कोई भी नहीं करता है रेलवे का, हम बोल रहे करके कोई मेन लैंग्वेज भी नहीं करता है, कोई भी करता होगा लेकिन टाइम जो 4 8 बजे से 4 बजे का जो ड्यूटी है, ना कोई 8 बजे आता है ना कोई 4 बजे ड्यूटी से जाता है, ऐसा कोई नहीं करता। अरे वो इंसान ही है ना, मशीन तो नहीं है। ठीक है चल 8 बजे आ भी गया, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठेगा, हवा खाएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा करते करते वो 4 बजे देगा, लेकिन ड्यूटी कोई भी टाइम से वो नहीं करता वो, फिर ऑफिसर के ऊपर। तो बाकी सब छोड़, तो पढ़ाई कर ठीक से, ठीक कुछ बोलो तो हमको बोल।